आते आओ ना, मैं देखना नहीं, एक बार टूक से ना घुस जाना है, ऐसे में एजेंट होता है समझे। कितना बड़ा बड़ा मशीन है ये माल है, देखिए तो खड़ा है पार लेगा, बहुत डेंजरस माल है जी। अभी बिल्डिंग दिया है तंगेट से, अभी टाइम 8:30 बज गया जी, अभी दिया है। ये माल है, क्या लिख ले जी? आपका भाई आएगा झारखंड में, मैं एंटर करने वाला हूँ, ठंडा लग रहा है जी। 2:30 बज रहा है, अभी भी एक्चुअल सब मच्छर मार रहा है, बहुत छिछरा है जी, पता ही रात बैठा रहता है, ये रात में क्या कर रहा है भाई। नमस्कार भाई लोग, कैसे आप सभी? आप सभी भाई को हमारे नुकल में फिर से स्वागत है। और आपका भाई इधर ही धूलागढ़ में पड़े हुए है, जंगल में गाड़ी ठहरा कर दिया है। आज हो गया 4 दिन, गाड़ी अभी तक लोड नहीं किया है और अभी टाइम 11 बज गया है। तो अभी आपका भाई गया यहाँ पर, थोड़ा सा आगे नल लगा हुआ है, नहा हुआ कर रहा है, मस्ती से दिखते है, नहा हुआ कर फ्रेश हो गया है। नहाने के बाद शरीर पूरा खिल जाता है, मन हल्का हो जाता है, पूरा मन भाई रखा था, एकदम दूसरे मन का किया हुआ था। चलिए क्या कीजिएगा, गाड़ी खुला लाइन है भैया, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ आपको झेलना पड़ेगा समझे, यही सब समस्या आते रहता है। चलिए क्या कीजिएगा, चलते हैं अभी नाश्ता करके, चलते कंपनी में, कुछ कहते हैं क्या मन में है, लोड करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि आपका भाई आ गया कंपनी में, बहुत दूर है जी, पैदल चल के हालत खराब हो गया, देखते आँख में मट्टी बहुत पड़ रहा है, हवा चल रहा है ना पूरा बालू। भाई अभी गए थे वहाँ कंपनी में, अभी आपका भाई का माल बन ही रहा है, अभी 24 माल बनेगा, 24 आपका माल और भी बन रहा है, उसके बाद लोड करेगा, तो बोला है शाम तक गाड़ी आपका लोड कर देंगे, बताइए आज माल बना रहा है समझे। लिट्टी गरम हो? हाँ लिट्टी गरम है ना, समोसो गरम है? आ गया कंपनी में से, गए थे अभी, माल अभी ना बन रहा है, पैक हो रहा है, वो नुता है बिजली के तार, वो बन रहा है, तो आधा माल बन गया है और 10 बंडल और बन रहा है, तब लोड करेगा गाड़ी, बताइए आज माल सुबह से बना रहा है, 3 दिन से झक मार रहा था समझे, गाड़ी बुलवा के ठड़ा कर दिया है। बनाते हैं खाना जी, टाइम बज गया है, 1 बज गया है, चलिए बनाते हैं। तो अपने पास टमाटर है और ये आलू है, मटर है और ये लेकर आया हूँ सजना, सूजन, एक बार सजना बोल दिया तो सब भाई लोग कमेंट किए, कमेंट करके मेरा दिमाग के दही कर दिए, इसका कोई कोई मूंगा बोलता है, सूजन बोलता है, बहुत सारा इसका नाम है जी। चलिए इसका ये बनाते हैं डालकर, अभी बहुत दिन के बाद बना रहा हूँ ना, कैसा देते, सूखा हुआ है जी, सूखा हुआ दे दिया है, मछली चिकन बहुत खा ली है, अब कुछ दिन खाना बंद कर देते हैं। ये देखिए आज आपका भाई मिक्स सब्जी बना रहा हूँ, ये क्या है, मूंगा, सीम, मटर, आलू, प्याज, टमाटर सब डालकर बना रहे हैं। देखिए इसमें जार डालते हैं जीरा। चावल खाने में अच्छा लगता है, घर का चावल है ना। चलिए देखिए मिक्स सब्जी बना लिया हूँ, देखिए
देखिए आपका भाई कैसा सब्जी बनाया है, सेंट तो मस्त आ रहा है, जो सब मिक्स कर दिया हूँ। वाओ बहुत ही मस्त बना है जी, देखते हैं सब्जी। हेलो वाला, अभी कंपनी से फोन किया है, बोलता भैया गाड़ी लगाइए लोड होगा, तो अभी टाइम बच गया है 5:30 बज गया है, बताइए अभी कॉल किया है, चलो चलते हैं गाड़ी के लोड करते हैं जी। गाड़ी ना बाएं पर सटा हुआ है, वही देख रहा हूँ, कंटेनर गाड़ी पर बाएं सटा दिया है। चलिए निकल गया, दिल कहे जो टूटो आते आओ टर्निंग पे, ऐसा टर्निंग है पूरा स्पीड में आ रहा है, छोटा गाड़ी वाला सब है ना, क्या बोले क्या गाड़ी चलाता है जी, देखो टर्निंग पे गाड़ी उड़ी आ रहा होगा, आराम से जाओ ना, मैं देखना नहीं, एक बार पुख से ना घुस जाना है, ऐसी में एक्सीडेंट होता है समझे। देखते इतना लंबा गाड़ी कंटेनर है, पीछे का टेढ़ करके खड़ा कर दिया है, क्या यार बताइए अब किधर जाए हम, बाएं में पोल है दहिना में गाड़ी है, किसको ठोके या खड़े रहते है, लाइट मारे रुक जाओ बस रुके नहीं, वहाँ रुकते ना वहाँ पर वहाँ गाड़ी निकल जाता सामने में, वहाँ बाएं में जगह है निकल जाता। गार्ड साहब बोल रहे हैं बैक में गाड़ी घुसाना होगा क्योंकि अंदर में जगह नहीं है, ये ठोका कंपनी है क्योंकि यहाँ से बैक में जाना पड़ेगा, चलिए बैक करते हैं अकेले, वाह कर लेंगे बैक, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो भाई लोग, आपका भाई आ गया है लोडी पार्ट में, और देखिए पीछे में वही यही माल पैक होगा, यही माल पैक हो गया है, अब लोड होगा, अभी इसमें मोहर वोर मार रहे हैं, देखिए आपका भाई बोडी वोडी खोल दिया हूँ, बच्चा उच्चा सब बाहर निकाल दिए, बहुत बड़ा बड़ा मशीन है जी, बहुत आवाज कर रहा है समझे। देखिए आपको दिखाते हैं कहीं जाकर, उधर जाए देगा ना आपको दिखा देंगे चार कैसे बनता है, देखिए ये मेरी गाड़ी का माल से पैक होगा अभी, अभी पेंटिंग हो चल रहा है, और देखिए फोल्डिंग हो रहा है, इधर में मोड़ा पैकिंग हो रहा है, और देखिए बड़ा बड़ा टायर, और देखिए कितना बड़ा बड़ा मशीन है ये, चार में कुछ वो चार के ना मेहरता है, जो घुमा घुमा के ना मेहरता है, देखो वो चार पूरा मेर रहा है, ये चार पैकिंग हो रहा है, क्या हो दया। भाई गाड़ी लूट हो गया, अभी टाइम देखिए 7:30 बज गया जी, कैसा माल उठ हुआ है, बहुत भयंकर माल है, इसको ना लाए लाए लेके जाएंगे, ऐसे से हिल रहा है, चले माल के हिसाब से गाड़ी चलाना पड़ता है, चले इसको लगाते हैं, ये गाड़ी भैया लो लूट किए है, बहुत हिसाब से गाड़ी चलाना पड़ेगा समझे, क्योंकि ये मलबा हिल रहा है, चलिए इसको बेल्ट मारते हैं, बेल्ट मार के बतौता ये लगा के गाड़ी के बाहर निकालते गेट के बाहर, बोलता है गेट से बाहर निकाल लीजिए गार्ड साहब। हेलो हेलो, आपका भाई का बिल्टी देखिए मिल गया है, और अभी देखिए अभी बिल्टी दिया है, इतना लेट से अभी टाइम 8:30 बज गया है जी, अभी दिया है, ये माल है क्या लिख ले जी, कहाँ गया, गोला बुंडा संबलपुर, गोला बुंडा किधर है जी, ये तो फर्स्ट बार नाम सुन रहा हूँ, गोला मुंडा ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो पार्टी के इसमें नंबर दिया हुआ है, बात कर लेंगे कहाँ खाली करेगा। जय भोलेनाथ हर महादेव, ओ शकील,
गोलागढ़ टोल टैक्स पार कर गया हूँ। अब चलते हैं उलबरिया पंप में, जाके डीजल लेते हैं, लिखते हैं कितना एडवांस हो रहा है, अभी ट्रांसपोर्ट में फोन करते हैं एडवांस के लिए। गार्ड साहब बोलते हैं तिरपाल मानो, हम तिरपाल मानो, इसमें तिरपाल माने सब तिरपाल मेरा पार देगा, समझे, काठी निकला हुआ है, जहाँ से रहे थे तिरपाल मानो, गाड़ी खाली करवा देंगे, दिमाग खराब कीजिएगा था। ये माल है बहुत, थोड़ा सा रिक्स माल है, आस्ते आस्ते प्यार प्यार से गाड़ी चलाना पड़ेगा, देख सुन के, क्योंकि मलबा है ना ऊपर में ऐसे से हिल रहा है। हेलो भाई लोग, आपका भाई आ गया उलबरिया भारत के पंप में, जगह कंपनी का पंप है भारत का, टंकी फुल करवा रहा हूँ, 32,000-33,000 डीजल जाएगा। का हो का जी, ठीक है जब भी आते हैं धीरे लाइन लगा रहता है, जब भी आते ना डीजल लेने, जब भी लाइन लगा रहता है। डीजल आया है 32,000 का डीजल आया है, पर टंकी खाली था, पूरा नील हो गया था, 2,000 रुपया कैश ले लिए है, चल जाएगा संबलपुर। भाई आ गया डेबरा, चाय पीते जी, तो सुस्ती आ रहा था, नींद आ रहा था जी, अभी टाइम 11:30 बज गया है, चाय में स्वादिष्ट नहीं है पानी, इसलिए चाय मैं पीता नहीं हूँ। आज ना शादी, ओहो क्या शादी हो रहा है, कना सुन है शादी हो रहा है, तो आज आपका भाई देखते आ रहा हूँ ना, आज शादी का लगन पूरा दम टाइट है, दुल्हा दुल्हन का गाड़ी आज बहुत देख रहा हूँ, जो चाऊ पी यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। पहली पहली प्यार का एक ऐसा एहसास है, ये गाना बज रहा है और सब डांस कर रहा है, बाबा वाओ, दो तालाब पे शादी हो रहा है दिख रहा हूँ मैं, चलो चलते यहाँ से निकलते हैं। हेलो हेलो, आपका भाई आ गया झारखंड में, मैं एंटर करने वाला हूँ, ठंडा लग रहा है जी, तो इसको खोले है, अभी पहनते हैं हुडी, बहुत ठंडा लग रहा है जी, इधर बगान में ठंडा नहीं है, इधर में आए हैं, इधर भी ठंडा लगने लगा है, चलिए पहन लेते हैं जी, ठंडा से मजाक नहीं, भैया ठंडा किसी का नहीं है जी, हल्का बेसी ठंडा नहीं, हल्का ठंडा लग रहा है, चलिए पहन के निकलते हैं, बस यहाँ से जमसोला रोजाने में 40 मिनट और लगेगा। हेलो भाई लोग, आपका भाई आ गया है बॉम्बे चक्की से, मैं आगे आ गया हूँ, जमसोला में रुके नहीं, क्योंकि वहाँ रुकने से ना मुझे दिन भर गाड़ी मार खा जाता है आईटीओ चक्कर में, आईटीओ अभी भी है बताइए, अभी टाइम बज रहा है 2:30 बज रहा है, अभी भी आईटीओ सब मच्छर मार रहा है, वो सब क्या पैसा ले रहा है जी, जितना भी आता ना हाइट गाड़ी, वो कच्चा माल का गाड़ी सबसे हार्ड के लिए पैसा ले रहा है, वो है ना बॉम्बे चक्की ब्रिज के नीचे में ठहरा है, आगे में ठहरा है, ये बाड़ी पत्ता वाला है ना बहुत छछरा है जी, पता है रात में ठहरा रहता है, ये रात में क्या कर रहा है भाई, तो देखिए सामने में होटल है, उड़िया में लिखा हुआ है, उड़िया में लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये बस सोते है जी, क्योंकि देखिए नींद बहुत कस के आ रहा है, सोचे घाट पार कर लेंगे, बाकी घाट में नींद आ रहा है, तो चलो भाई घाट पार करना सही नहीं है, नींद में आपका भाई कभी भी गाड़ी चलाते नहीं हूँ, क्योंकि रिक्स हो जाता है, देखिए आपका भाई अभी नींद में मैं बात कर रहा हूँ जी, 4 दिन बैठे रह गए ना, पास से भी सुस्त हो गया, उसलिए नींद आ रहा है, आप लोग लगता होगा भैया पी लिया हुआ, भाई नींद के नशा ना दारू भी फेल है समझे, चलिए कोई बात नहीं, अब सोते हैं जी, अब होटल बंद है तो क्या खाए,
तो अपने पास है ना वो सब्जी बचा हुआ है, थोड़ा चावल इतना बचा हुआ, वो खाओ वो सोते है। चले वाला अब करते हैं ब्लॉग के एंड, मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में। और भाई को सी सपोर्ट करते रहिए, भाई को पड़ोसी प्यार बनाए रखिए। लव यू भाई लोग, गुड नाइट, जय हिंद।